दोस्तों अज बेबल कलां दे जिहड़े दो नौजवान सिख मारे गए सी गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबी नूं लैके रोस धरने दे उत्ते 5 साल हो गए अज मेरे ख्याल बहुतियां लोकां नूं याद भी नहीं होना कि अज पंजवीं बरसी आ कृष्ण भगवान दी ते गुरजीत सिंह हुणी जिहड़े बिल्कुल निर्दोष नौजवान जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब दा उस वेले अपमान होया बेअदबियां होईयां सारे पंजाब च ते इन्हां सज्जणां लोकां ने बेबल कलां दे पिंड दी लिंक रोड दे उत्ते मेन फरीदकोट वाली सड़क के उत्ते नहीं लिंक रोड के उत्ते एक शांतमई धरना लाया हुआ सी ते पुलिस ने पहला सवेरे बहुत तड़के कोटकपुरे गोली चलाई 14 अक्टूबर की तड़के 6 बजे और उस तो बाद उत्थे लाठीचार्ज करन तो बाद ज्यादतियां करन तो बाद उत्थे भी शांतमई धरना चल रहा सी चौंक दे विच उस तो बाद उही पुलिस के ऑफिसर्स इत्थे बेबल कलां दे आण के इन्हां ने एक पासे बैठे हुए शब्द कीर्तन करते हुए लोगों के उत्ते फायरिंग की गोली चलाई जिहदे नाल दो सिख नौजवान उत्थे मौके ते मारे गए और जिहड़ा जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन ने तहकीकात की है उहदे च उन्होंने स्पेसीफिकली जिक्र किया कि जिहड़ी गोली है पुलिस वालों वह थले नूं एंगल करके चलाई गई यानी कि वह भुंजे बैठे शब्द कीर्तन कह लो पाठ कह लो पाठ कर रहे सीगे ते उन्हां दे पुलिस ने निहत्थे लोगों के उत्ते गोली मार के उन्होंने मारता 5 साल कोई थोड़ा समा नहीं होंगे बादलों तो सानू कोई उम्मीद नहीं सी क्योंकि उन्होंने तो 2.5 साल पुलिस ऑफिसर्स जिहड़े दोषी सी उन्होंने बचाते रहे और ये जिहड़ी एफ आई आर पहली दर्ज हुई है अकाली दल के राज वेले अणपछाते बंदियों के खिलाफ दर्ज हुई इहदे नाल वड्डी हासोहीणी गल कोई नहीं सी पुलिस यूनिफॉर्म च एक एक गोली अकाउंटेड फॉर हुंदी है हर हथियार के उत्ते उन्होंने नंबर लिखा हुंदा लेकिन अणपछाते बंदियों ते सुखबीर सिंह बादल ने एफ आई आर दर्ज की और पुलिस के दोषियों को बचाते रहे सरकार बदली कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने चोण मनोरथ पत्र में बहुत वड्डा वायदा किया गुरु ग्रंथ साहब के बेअदबियों को लेकर दोषियों को सजा देने की 4.25 साल हो गए ने और जिहड़ियां कार्रवाइयां होईयां वो की कहिंदे हुंदियां एडी ढिल्ली मट्ठी कार्रवाई हुई कि जिन्हां लोगों को नामजद भी किया गया बेबल कलां गोलीकांड में मिसाल के तौर पर चरणजीत शर्मा जिहड़ा SSP सी उस वेले उहदी हाईकोर्ट चो जमानत हो चुकी 302 दे विच सारे पुलिस वाले अपने अपने घरां नूं चले गए ने ओ दे ओ दो सिख नौजवानों नूं अज तक किसी ने इंसाफ नहीं दिता 5 साल अंग्रेजी च कहिंदे ने जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस सॉरी जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड वैसे तो इस देश दे विच असीं देख रहे हां कि कल्ला बेबल कलां गोलीकांड नहीं जे आपां 84 दा सिख कतलेआम गल कर लईए 34-35 साल हो गए आ हाथरस दे विच गैंगरेप किया गया एक दलित लड़की का और जो ज्यादतियां उत्थे सरकार कर रही अपने सामने आ किस तरीके उलंघना कर वैसे भी इसके अलावा अलग अलग थावां ते बहुत ज्यादतियां तो बाद इन्ने वरे इंसाफ नहीं मिलता तो फिर कदा ये साडा देश है ते कदी साडी ये इंसाफ की प्रणाली फिर सब कुछ बंद कर देना चाहिए इहदे नाल चंगे तां अंग्रेज सीगे इहदे नाल चंगे मुगल सीगे वो घट्टो घट कह के तो ज्यादती करते कि असीं कर रहे हैं तो तुसीं किसे अदालत में जा भी नहीं सकते इत्थे फर्जी पुलिस बनाई हुई है फर्जी अदालतां बनाईयां इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं 5 साल बेबल कलां दे असल दोषियों नूं ना फड़ना यह कैप्टन अमरिंदर सिंह ते सुखबीर सिंह बादल परिवार के मूँह ते बहुत वड्डी चपेड़ है बेइंसाफी की और सुखबीर हुणी जदों बिल्कुल घिर गए पिछे इलैक्शन हारन तो बाद इन्हां ने एक नवां गल घड़ी कि जी जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की बेबल कलां च गोली चलाई उन्हां दा कख ना रहे जबकि सब कुछ जानते हैं कि इन्होंने गोली चलाई क्योंकि जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट मुताबिक 14 अक्टूबर की सवेरे तड़के 2 बजे उस वक्त के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने DGP पंजाब सुमेत सिंह सैनी टेलीफोन किया जिहड़ा कि सैनी ने एफिडेविट दिता कमिशन नूं और उसनों DC फरीदकोट नूं कहा कि अपनी जिहड़े हुक्म ने वह DGP सुमेत सिंह सैनी तो ले लो तो सुमेत सिंह सैनी ने फरीदकोट के उस वक्त DC नूं कहा कि मेरे लिए फ्री कोटकपूरा का चौंक खाली करवाना 2 मिनट का काम है यह सारा कुछ जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट में दर्ज है और उस तो बाद गोली चली उस तो बाद एक अजीत सिंह नामी व्यक्ति के कोटकपूरे चूल्हे में गोली बजी वह कोई कॉग्निजेंस ली नहीं कोई FIR नहीं ली फिर बेबल कलां का कांड वापरिया और मैं दुख की गल है कि एड्डी वड्डी जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट में विधानसभा 8 घंटे उसके बहस चर्चा हुई रिजल्ट 0 पता नहीं किन्ने एक SITs बनातियां किन्ने एक इनक्वायरियां बनातियां सारा मामला कॉम्प्लीकेट करता कभी CBI लैन दी कभी पंजाब पुलिस लैन दी जान बुझ के इन्हां लोकां ने
इस मसले नूं इस तरह उलझाता वा कि कदी इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद न रह सके। इसलिए मैं अपने सारे समूह पंजाबियों नूं कहना चाहुंदा कि देखो आपां जे इस तरह की जिथे जे आपां गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी लड़ाई नूं छड्ड देंगे अद्ध विचाले तो फिर किसी होर आम व्यक्ति नूं इस सिस्टम तो इंसाफ की की उम्मीद हो सकती। इसलिए अज मैं पंजवें बरसी मौके मैं तो जा ही रहा उत्थे और मैं देखना भी उत्थे कि जिहड़े लोग पहला तस्वीर खिचाउण आउंदे सी भाषण करन आउंदे सी बहबल कलां दे गोलीकांड ते या गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी जो फोकस सीगा लोगों का मीडिया का कि अज वो उत्थे उस भोग के बरसी उत्ते मौके ते होणगे। मैं ये भी अज उत्थे जाके परख की घड़ी देखनी है और मैनूं पता वा कि इस वक्त यह सारा इशू ठंडे बस्ते च पिया और इस वक्त फार्मर्स की किसानों की एजुटेशन सेंटर स्टेज पर और मैं समझता बड़ा वाजब मुद्दा वा बहुत तक्का ज्यादती हो रही किसानों आपां नूं लड़ना चाहिए सबनों। पर याद रखियो कि जे आपां गुरु ग्रंथ साहब की बेदबियां ते बहबल कलां दे गोलीकांड नूं इंसाफ की लड़ाई नूं पूरे पुख्ता अंजाम तक ना पहुँचाया तो फिर अपने लोगों की कोई होंद नहीं गई पंजाब दे विच। फिर अपने जिन्हों आपां अपना पे मानते हैं गुरु ग्रंथ साहब नूं फिर वह निरादर होया हो तो आप मूक दर्शक बन के बैठे रहिए तो सरकार उलझाउंदियां रहन फिर अपना कोई जीण दा या रहण दा या अपने आप को सिख कवाउण दा कोई बहुता ज़्यादा मकसद बचता नहीं गा। इसलिए इस बरसी से तो असं जावे जावे पर आने वाले समय में गुरु ग्रंथ साहब के इशू के उत्ते बहबल कलां के उत्ते आप सब एकमुट होकर जरूर लड़ना चाहिए और मैं अफसोस है कि जिन्हों लोगों ने मोर्चा लाया से बिना वजह मोर्चा चक दिता एवं दो तीन कांग्रेसी मिनिस्टर की छोटी जी अशोरेंस के उत्ते की कारण सीगा ये तो उही दस सकते जिहड़े संचालक से जिन्होंने एकदम अचानक बिना किसी मशवरे तो बिना किसी सलाह तो सारा मोर्चा चक दिता और उस सारी गल की जी हैगी लोगों का एड्डा वड्डा प्रेशर बनया सीगा उस खत्म करके रख दिता वो एक गलत कदम सीगा उन्हों का। मैं चाहे असं उदो बहुत वड्डे होके नाल उन्हों का हर वक्त बुधाई सके सानू भी कौन उन्होंने किसी गल में कॉन्फिडेंस नहीं लिया सानू पुछया तक नहीं कि सरकार फलाना सानू ऑफर दे रही है कि सानू यह मान लेनी चाहिए। अगर वो पुछते या होरना लोगों ना सलाह करते और मोर्चा अगर ना चकते अज नू बहबल कलां गोलीकांड ते गुरु ग्रंथ साहब ते इंसाफ होया होना सी। इसलिए आओ आप हले भी इस गल नू छड्डना नहीं गा बरसी ते भी जाना वा ते इस इंसाफ की लड़ाई नू अगे नाल लैके जावांगे। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत शुक्रिया धन्नवाद।